दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति वाला देश चीन। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज बांटने वाला देश चीन। और फिर चीन ने सोचा अब नया खास क्या किया जाए, तो उसने पंगा लेना शुरू किया। चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना को प्रसाद की तरह बांट दिया। दुनिया त्राही त्राही कर उठी। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन को अपनी लकीर बड़ी कर बड़ा नहीं बनना है, उसे दूसरों को छोटा कर बड़ा बनना है, झुकाकर ऊपर चढ़ना है। ख्वाब सतरंगी है सुपर पावर बनने की, और नीति साम दाम दंड भेद की। चीन की साम दाम दंड भेद वाली नीति, चीन की नीति से तय होगी दुनिया की नीति, या उसकी नियत की मुराद है उसका तहस नहस होना। चीन को समझना है तो उसकी साम दाम दंड भेद वाली नीति को समझना होगा। वो इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया पर कर रहा है। इसके जरिए वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। धन से, बल से, कल से, छल से, जिसे जो भाषा समझ में आए उस भाषा में बात कर रहा है चीन। साम का अर्थ है शांति। देखिए आजकल एलएसी पर किस तरह शांति की दुहाई दे रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में देता था। ये भी एक चाल है। दाम यानी खरीद लेने की नीति। सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया को चुप कराना, कोरोना को लेकर जांच की मांग कराने की पुरजोर आवाज ऑस्ट्रेलिया ने उठाया ही था कि चीन ने उसे दबोच लिया, कह दिया कि बोलोगे तो तुम्हारा अनाज हम नहीं खरीदेंगे। दंड वाली नीति अमेरिका पर आजमा रहा है। अमेरिका एक कदम उठाता है तो चीन दो कदम आगे बढ़कर हमला बोलता है। अमेरिका ने चीन के अधिकारियों को वीजा देने से इनकार किया तो चीन ने तिब्बत में किसी भी अमेरिकी नागरिक को वीजा देने से मना कर दिया। We firmly oppose the US measure. In response to the wrong US move, China decides to impose visa restrictions on US personnel with egregious behavior on Tibet. भेद वाली नीति ताइवान और हांगकांग पर लागू कर रखा है। नया सुरक्षा कानून लगाकर उसने हांगकांग की जनता में फूट डाल दिया। अब राज उसका है। ताइवान पर भी यही फॉर्मूला अपना रहा है। वो ताइवान के लोगों को उकसा रहा है कि वो बगावत पर उतारू हो जाएं। ताइवान को जब तब दंड भी देता रहता है चीन। चीन के लिए ताइवान का मतलब है उसका अपना एक राज्य। जो कोविड-19 के लिए ताइवान का रिस्पांस रहा है उससे दुनिया भर के देशों ने ताइवान की सराहना की है। तो उसके जवाब के लिए जो चीन की गतिविधियां हैं, जो सैन्य गतिविधियां हैं, वो बढ़ गई हैं। और जो दूसरा कारण है वो यही है कि ये सब सैन्य गतिविधियां बढ़ा के चीन अपना जो क्लेम है, जो अपना दावा है ताइवान पे, वो मजबूत करना चाहता है। व्यापारी मुल्क से विस्तारवादी और बलशाली मुल्क बनना चाहता है चीन। साउथ चाइना सी में जो राजमाइश इसी सोच का नतीजा है। वहां के 250 द्वीपों पर कब्जा कर उसे अपनी आबादी नहीं बसानी है, उन्हें अपना सामरिक ठिकाना बनाना है। ऐसा इसलिए कि उस समुद्र के जरिए होने वाले दुनिया के एक तिहाई व्यापार पर कुंडली मार कर बैठ सके। इसलिए तो अमेरिका जल में उसके छल को छेद रहा है। एंटी चाइना प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके चीन को चुनौती देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय यदि चीन को चुनौती नहीं दिया गया तो वो निकटतम भविष्य में जब कोविड-19 से वह निकलता है, और अभी जिस तरह से दलदल में वो फंसा हुआ है, जब निकलता है तो वो फिर इस मार्ग पे अग्रसर होगा और धीरे 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 पूरे 250 आइलैंड पे अपना कमांड कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयत्न करेगा।
विस्तारवाद का भूत चीन पर इस कदर चढ़ा है कि वो अपने मित्र देश रूस के एक शहर व्लादिवोस्तोक तक अपना हक जताता रहता है। चीन सगा किसी का नहीं है, यहां तक अपने अपनों का भी। दुनिया भर की सरकारों की जासूसी करने के साथ साथ वो विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों की भी जासूसी करा रहा है, उन्हें डरा धमका भी रहा है ताकि कहीं से किसी की आवाज न उठे जिससे उसके देश में बगावत जैसी स्थिति बने या उसकी पोल पट्टी खुले। इस बात को लेकर भी अमेरिका के साथ उसकी तनातनी शुरू हुई है। कोरोना से शुरू चीन का षड्यंत्र कयामत तक जाता दिख रहा है।